बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है आपके पास डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। डायरेक्ट मतलब बराए रास्त एंड इनवर्स मतलब बराक्स। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीली। डायरेक्ट वेरिएशन मतलब बराए रास्त तब्दीली। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 1 किलो चीनी 100 रुपीज़ में ली है, अगर मैं 2 किलो चीनी लूँगी तो प्राइस आपके पास क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। यानी चीनी की मिकदार बढ़ी तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, बढ़ गई। अगर मैं कहती हूँ कि मैं चीनी एक किलो से हाफ किलो कर देती हूँ, आधा किलो कर देती हूँ, तो उसकी प्राइस भी 100 से लेस होकर किधर हो जाएगी, 50 पे हो जाएगी। यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, लेकिन एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ की मिकदार भी आपके पास कम होगी। ये होती है डायरेक्ट वेरिएशन, यानी बराए रास्त तब्दीली। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इनवर्स वेरिएशन को। तो इनवर्स का मतलब होता है बरअक्स, यानी एक चीज़ के बिल्कुल बरअक्स चले जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, अगर मेरे पास टाइम ज़्यादा हुआ तो मैं आराम आराम से जाऊंगी, यानी अपनी स्पीड कम रखूंगी। लेकिन अगर मेरे पास टाइम कम हुआ तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा दूंगी। ये आपके पास क्या होता है, एक चीज़ के बिल्कुल उल्टे चले जाना। यानी टाइम कम था तो स्पीड ज़्यादा थी, अगर टाइम ज़्यादा हुआ तो स्पीड आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये होती है एक दूसरे के बरक्स वेरिएशन, यानी एक दूसरे की उल्ट तब्दीली। सबसे पहले हमें डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन से पहले हमें रेशियो के बारे में पता होना चाहिए कि रेशियो क्या होती है। तो रेशियो जो होता है, वो रेशियो इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन। यानी रेशियो जो होता है वो मुआजना होता है दो सेम, यानी एक जैसी क्वान्टिटीज मतलब मकदारों के दरमियान, किसके लिहाज से, तकसीम के लिहाज से। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि ए और बी की रेशो को मैं एक्सप्रेस किस फॉर्म में करती हूँ, मैं कहती हूँ कि ए रेशो बी, इसको हम किस फॉर्म में और लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये आपका क्या है, एज अ डिवीजन। अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि ए डिवाइडेड बाय बी, तो ये आपके पास कौन सा होगी, एज अ फ्रैक्शन। और ये आपके पास ए रेशो बी, आपके पास ये कौन सी फॉर्म है, एज अ कॉलन। अब हमें पता होना चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो, कि हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है रेशो की। सिंपलेस्ट फॉर्म, अब फॉर एग्जांपल कि मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक रेशो गिवन है 30:15। अब देखिए, अगर हम 30 के फैक्टर्स फाइंड करें, 30 के फैक्टर्स आपके पास क्या होंगे, 1 and 30 इट्सेल्फ, इसके अलावा 2 15s are 30, इसके अलावा 30 के फैक्टर्स कितने, 3 10s are 30। अब 1 2 3 10 15 and 30। अगर 15 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 15 के कॉमन फैक्टर्स कितने होंगे, 1 and 15 इट्सेल्फ और 3 5s are 15। अगर इन दोनों में से देखा जाए, एक तो 1 कॉमन फैक्टर आ रहा है और दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है। दोनों में से कॉमन फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 15 और 1। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो क्या होती है, कि अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो एक्सेप्ट 1 के, तो आपके पास सिंपलेस्ट। अब ये रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म आपके पास नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 15 इसका कॉमन फैक्टर है। तो 30:15 इज़ नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। सिंपलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी एच सी एफ से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे 30 और 15 का एच सी एफ लो, तो 15 2s are 30, तो आपके पास एच सी एफ क्या होगा, 15 HCF होगा। इसका मतलब है हम 30 को और 15 को 15 से उसके एच सी एफ से डिवाइड करेंगे। 15 1s are 15, 15 2s are 30, 15 1s are 15, 2:1। अब देखिए, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब ये इसमें से एक 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो है। नेक्स्ट है आपके पास कंटिन्यूड रेशियो। तो कंटिन्यूस रेशियो क्या होती है, आपके पास अ रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश बिटवीन टू रेशियो इन विच दी
रेशियोज हैव वन कॉमन मेंबर इज कॉल्ड कंटीन्यूअस रेशियो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, पहले तो आपको पता है कि रेशियो एक जैसी मिकदार के दरमियान होती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ए रेशियो बी मेरे पास क्या है, 1:3, और मैं कहती हूँ एंड बी रेशियो सी मेरे पास क्या है, 3:4। अब यहाँ पे देखें इन दोनों रेशियो में मेरे पास कॉमन मेंबर क्या है, बी कॉमन मेंबर है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी, दिस फॉर्म इज नॉन एज कंटीन्यूअस रेशियो। क्योंकि देखें हम क्या कहते हैं कि बी इन दोनों के दरमियान कॉमन मेंबर है एंड कॉमन मेंबर मस्ट बी कैप्ट एट द मिडल प्लेस। हम कॉमन मेंबर को हमेशा कहाँ पे रखते हैं, दरमियान में रखते हैं। यानी अगर आपके पास दो रेशियोज हो और दो रेशियोज में से आपके पास एक मेंबर कॉमन आना चाहिए, तो फिर हम कंटीन्यूअस रेशियो आपके पास किस फॉर्म में लिखनी होगी, ए रेशियो बी रेशियो सी, और कॉमन मेंबर आपके पास किधर लिखने होगा, दरमियान में लिखने होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी इफ। फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ए रेशियो बी की वैल्यू गिवन है 2:3 एंड बी रेशियो सी की वैल्यू आपके पास गिवन है 3:1। हमने फाइंड करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। हमने कंटिन्यूस, ये आपके पास कंटिन्यूस रेशियो है, क्योंकि आप मैंने आपको बताया था जो आपके पास कंटिन्यूस रेशियो होती है, दोनों रेशियो में कम से कम एक मेंबर जो है, कम से कम नहीं सॉरी एक मेंबर जो है आपके पास मस्ट जो है कॉमन आ रहा होता है। अब यहाँ पे इन दोनों रेशियोज में से कौन सा मेंबर बी जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको हम किधर रखेंगे, दरमियान में रखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए रेशियो बी की वैल्यू क्या थी, 2:3, और बी रेशो सी की वैल्यू क्या थी, अब बी यहाँ पे आ रहा, नीचे लिखें इसको, 3:1। अब देखें हम फर्स्ट रेशो के फर्स्ट मेंबर को सेकंड रेशो के फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा रेशो। फिर हम फर्स्ट रेशो के सेकंड मेंबर को सेकंड रेशो के फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s 9 रेशो। फिर हम फर्स्ट रेशो के सेकंड मेंबर को सेकंड रेशो के सेकंड मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1s 3। आपके पास क्या आ गया, ए रेशो बी रेशो सी क्या है, 6:9:3। क्या ए रेशो बी रेशो सी आपके पास क्या आ गया, 6:9:3। अब ये रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है आपके पास, रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए आप उसके HCF को से उसको डिवाइड करते हो। पहले हम इन तीनों का HCF लेते हैं, पहले मैं 9 और 6 का लेती हूँ। तीन टर्म्स हैं आपके पास, 6 1s 6, 9 में 6 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 रिमेनिंग। अब आप डिवाइजर को अंदर रखोगे यानी डिवाइडेंड बना दोगे उसको, 3 2s 6, तो आपके पास एच सी एफ क्या आया है, 3 आया। अब लास्ट वाले टर्म्स के साथ इसको डिवाइड करो, 3 1s 3, तो इट्स मीन इनका एच सी एफ आपके पास क्या आया है, 3 आ गया। रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए हम इसके एच सी एफ से डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय एच सी एफ, तो ए रेशो बी रेशो सी इक्वल आ जाएगा 6:3 रेशियो 9:3 रेशियो 3:3 3 1s 3 3 2s 6 3 1s 3 3 3s 9 3 1s 3। तो आपके पास रेशो क्या आई है, 2:3:1। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 2 है, ए रेशो सी इक्वल है 1:2 के एंड सी रेशो बी आपके पास किसके इक्वल है, 2:5 के। ये आपके पास कंटिन्यूस रेशियो है, कंटिन्यूस रेशियो में जो कॉमन मेंबर होता है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, दरमियान में रखते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूंगी, ए रेशो दोनों में से कॉमन मेंबर कौन सा है, सी है, ए रेशो सी रेशो बी। अब यहाँ पे ए रेशो बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1:2 और सी रेशो बी की वैल्यू क्या आई है, 2:5। रेशो के फर्स्ट मेंबर को हम सेकंड रेशो के फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1s 2 रेशो। रेशो के
फर्स्ट रेशो के सेकंड मेंबर को हम सेकंड रेशो के फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू ज़ार फोर रेशो। अब फर्स्ट रेशो के सेकंड मेंबर को हम सेकंड रेशो के सेकंड मेंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फाइव टू ज़ार टेन। तो आपके पास क्या आया है, ए रेशो सी रेशो बी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, टू रेशो फोर रेशो टेन। अब ये आपके पास रेशो की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, तो हम इनका HCF, इन तीनों का टू फोर और टेन का HCF लेंगे। पहले मैं टू और फोर का HCF ले लेती हूँ, टू टू ज़ार फोर, HCF मेरे पास क्या आया, टू आया। अब इसका HCF मैं लेती हूँ टेन के साथ, टू फाइव ज़ार टेन। तो इट्स मीन इन दोनों का HCF आपके पास क्या आया, इन तीनों नंबर्स का HCF आपके पास टू आया। हम डिवाइडेड करेंगे HCF के साथ, तो A रेशो C रेशो B इक्वल टू टू बाई टू रेशो फोर बाई टू रेशो टेन बाई टू, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, टू फाइव ज़ार टेन। तो आपके पास आएगा वन रेशो टू रेशो फाइव। वैल्यू किसकी आई है, A रेशो C रेशो B की। हमने फाइंड आउट क्या करना था, ए रेशो बी रेशो सी। अब यहाँ पे हमारे पास आया ए रेशो सी रेशो बी, हम इसको चेंज कर देते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। ए की वैल्यू आपके पास वन थी, वन एज इट इज़ रेशो, बी की वैल्यू आपके पास क्या थी फाइव, रेशो सी की वैल्यू क्या थी टू। तो ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू क्या आ गई है, वन रेशो फाइव रेशो टू। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर थ्री, बी रेशो सी की वैल्यू आपके पास एट रेशो थ्री एंड बी रेशो ए की वैल्यू आपके पास वन रेशो टेन। ये आपके पास कंटिन्यूस रेशो है और इसमें हम जो कॉमन मेंबर होता है उसको कहाँ पे रखते हैं, दरमियान में रखते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, सी रेशो बी रेशो ए, कॉमन मेंबर बी था, बी को मैंने कहाँ पे रख लिया, दरमियान में रख लिया। अब ये रेशो, ये जो वैल्यू है ये बी रेशो सी की वैल्यू है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, सी रेशो बी। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, सी रेशो बी इक्वल टू थ्री रेशो एट। देखें बी की वैल्यू क्या थी एट और सी की वैल्यू क्या थी थ्री, चेंज किया है तो सी की वैल्यू पहले आ गई है और बी की वैल्यू बाद में चली आ गई। थ्री रेशो बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है, थ्री रेशो एट। अब बी रेशो ए की वैल्यू आपके पास क्या है, वन रेशो टेन। फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री वन ज़ार थ्री रेशो। सेकंड मेंबर को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एट वन ज़ार एट रेशो। सेकंड मेंबर को सेकंड मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एट टेन ज़ार एट्टी। अब आपके पास क्या आ गया, सी रेशो बी रेशो ए इक्वल है थ्री रेशो एट रेशो एट्टी। अब देखें अगर थ्री के फैक्टर लें, थ्री के दो ही फैक्टर्स होंगे, एक वन और एक थ्री। एट के फैक्टर लें तो एट के भी आपके पास कितने फैक्टर्स होंगे, वन होगा टू होगा फोर एंड एट, चार फैक्टर। अब इन दोनों पहले दो फैक्टर्स नंबर्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब है तीसरे में से भी इनमें कोई भी कॉमन मेंबर नहीं होगा। तो इसको अरेंज करके लिख लें, ए रेशो बी रेशो सी। ए की वैल्यू आपके पास क्या थी, एट्टी रेशो। बी की वैल्यू आपके पास क्या है, एट। और सी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, थ्री आ गई है। तो आपके पास आ जाएगा एट्टी रेशो एट रेशो थ्री। नेक्स्ट आपके पास है पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर है सी रेशो ए की वैल्यू है सेवन रेशो फाइव और सी रेशो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, नाइन रेशो फोर। अब यहाँ पे आपको पता है कि कॉमन मेंबर को आप कहाँ पे रखते हो, दरमियान में रखते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ए रेशो सी रेशो बी। अब ये जो वैल्यू है ये सी रेशो ए की है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या गिवन है, ए रेशो सी। इसको चेंज कर लें, इसको इस तरफ लिख सकते हैं, ए रेशो सी इज इक्वल टू फाइव रेशो सेवन, फाइव रेशो सेवन। और सी रेशो बी की वैल्यू क्या है, नाइन रेशो फोर। फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर के साथ, नाइन फाइव ज़ार फोर्टी फाइव रेशो, सेवन नाइन ज़ार सिक्सटी थ्री, सेवन फोर ज़ार
28। तो आपके पास ए रेशो सी रेशो बी आपके पास क्या आ गया है 45 रेशो 63 रेशो 28। अरेंज कर लिख लें, ए रेशो बी रेशो सी आपके पास आ जाएगा 45 रेशो 28 रेशो 63। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इवेल्युएट एल रेशो एम रेशो एन वाई। एल रेशो एम की वैल्यू आपके पास गिवन है जो है 1/4 रेशो 1/3, और एम रेशो एम की वैल्यू भी आपके पास गिवन है जो कि है 1/2 रेशो 1/5। कॉमन एलिमेंट को हम दरमियान में रखेंगे, तो एल रेशो एम रेशो एन, कॉमन मेंबर आपके पास एम था उसको हमने मिड में रख लिया। एल रेशो एम की वैल्यू क्या है 1/4 रेशो 1/3, और एम रेशो एन की वैल्यू क्या है 1/2 रेशो 1/5। फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 1/4 मल्टीप्लाई 1/2, फ्रैक्शन वाली फॉर्म है, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 1 ज़ार 1, 4 2 ज़ार 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/8 रेशो। सेकेंड मेंबर को फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 1 ज़ार 1, 3 2 ज़ार 6, तो 1/6 रेशो। 1/3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1/5 के साथ, 1 1 ज़ार 1, 3 5 ज़ार 15, तो आपके पास क्या आ गया 1/15। तो एल रेशो एम रेशो एन की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 1/8 रेशो 1/6 रेशो 1/15। अब देखें यहाँ पे आपके पास एल रेशो एम रेशो एन की वैल्यू कौन सी फॉर्म में आई है, फ्रैक्शनल फॉर्म में आई है, तो हम इनके डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले ज़रा तीनों का, 8 6 और 15 का, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 16, 15 एज़ इट इज़, 2 2 ज़ार 4, 3 एज़ इट इज़, 15 भी एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2, 3 एज़ इट इज़, 15 भी एज इट इज़। आगे 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5। अब देखिए एलसीएम, एलसीएम आपके पास क्या आया है, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, 24 5 ज़ार 5 4 ज़ार 20, 2 कैरी 5 2 ज़ार 10 और 12 120, यानी तीनों का एलसीएम आपके पास क्या आ गया है 120 आ गया। अब एलसीएम को ख़त्म करने फ्रैक्शनल फॉर्म को ख़त्म करने के लिए हम तीनों को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एल रेशो एम रेशो एन आपके पास आ जाएगा 1/80 मल्टीप्लाई 120 रेशो 1/6 मल्टीप्लाई 120 रेशो 1/15 मल्टीप्लाई 120। कैंसिलेशन करें, 8 1 ज़ार 8, 8 1 ज़ार 8, 4 कैरी 8 5 ज़ार 40, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 0 एज़ इट इज़, 15 1 ज़ार 15, 15 8 ज़ार 120। तो एल रेशो एम रेशो एन आपके पास आ जाएगा जी 15 रेशो 20 रेशो 8। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2 आपके पास, पार्ट नंबर 2 है एन रेशो एल की वैल्यू है 1/4 रेशो 1/3, एंड एम रेशो एल की वैल्यू है 1/6 रेशो 1/7। तो हम जो कॉमन मेंबर यहाँ पे अब क्या है एल है दोनों में, तो हम एल को कहाँ पे रखेंगे, दरमियान में रखेंगे। तो एल रेशो एम एन रेशो एल आपके पास क्या है 1/4 रेशो
वन बाय थ्री। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है, एम रेशियो एल है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है, एल रेशियो एम। तो हम इसको चेंज कर लेंगे, चेंज करेंगे तो एल रेशियो एम आपके पास क्या आ जाएगा जी, वन बाय सेवन रेशियो वन बाय सिक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे वन बाय सेवन रेशियो वन बाय सिक्स। फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, वन बाय फोर मल्टीप्लाई वन बाय सेवन, वन बाय फोर मल्टीप्लाई वन बाय सेवन। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो आपके पास आएगा वन बाय ट्वेंटी एट, वन बाय ट्वेंटी एट रेशियो। सेकेंड मेंबर को फर्स्ट वाले मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वन बाय थ्री मल्टीप्लाई वन बाय सेवन, वन वन जार वन, थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन, तो वन बाय ट्वेंटी वन रेशियो। सेकेंड को सेकेंड के साथ वन बाय थ्री रेशियो मल्टीप्लाई वन बाय सिक्स, तो वन वन जार वन, थ्री एट सिक्स थ्री जार एटीन, तो आपके पास आ जाएगा वन बाय एटीन। अब यहाँ पे देखें एन रेशियो एल रेशियो एम की वैल्यू आपके पास क्या आ गया जी, वन बाय ट्वेंटी एट रेशियो वन बाय ट्वेंटी वन रेशियो वन बाय एटीन। अब यहाँ पे ये रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए पहले तो देखना है किस फॉर्म में, ये फ्रैक्शनल फॉर्म है तो हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लें ट्वेंटी एट ट्वेंटी वन और एटीन का, टू वन ज़ार टू, टू फोर ज़ार एट, ट्वेंटी वन एज इट इज़, टू नाइन ज़ार एटीन, टू सेवन ज़ार फोर्टीन, ट्वेंटी वन एज इट इज़, नाइन भी एज इट इज़, सेवन एज इट इज़, थ्री सेवन ज़ार ट्वेंटी वन, थ्री थ्री ज़ार नाइन, थ्री वन ज़ार थ्री, सेवन वन ज़ार सेवन। तो एल सी एम आपके पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई सेवन, टू टू ज़ार फोर, फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री ज़ार थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स सेवन ज़ार, सेवन सिक्स ज़ार फोर्टी टू, फोर्टी टू फोर कैरी, सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन और ट्वेंटी फाइव। तो एलसीएम आपके पास क्या आ गया, टू फिफ्टी टू। अब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन रेशियो एल रेशियो एम इक्वल टू वन बाय ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई टू फिफ्टी टू रेशियो वन बाय ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई टू फिफ्टी टू रेशियो वन बाय ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई टू फिफ्टी टू। ट्वेंटी एट वन ज़ार ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट नाइन ज़ार टू फिफ्टी टू, ट्वेंटी वन वन ज़ार ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन ट्वेल्व ज़ार टू फिफ्टी टू, एटीन वन ज़ार एटीन, एटीन फोर्टीन टाइम जाएगा टू फिफ्टी टू। तो आपके पास आ जाएगा एन रेशियो एल रेशियो एम इक्वल टू नाइन वन ज़ार नाइन, ट्वेल्व वन ज़ार ट्वेल्व रेशियो फोर्टीन वन ज़ार फोर्टीन। अरेंज करके इसको लिख लें, एल रेशियो एम रेशियो एन, एल की वैल्यू आपके पास क्या थी ट्वेल्व, रेशियो एम की वैल्यू क्या थी फोर्टीन, रेशियो एन की वैल्यू आपके पास क्या थी नाइन। तो एल रेशियो एम रेशियो एन की वैल्यू आया ट्वेल्व रेशियो फोर्टीन रेशियो नाइन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट नंबर थ्री है, एम रेशियो एन की वैल्यू आपके पास है टू बाई थ्री रेशियो वन बाई फाइव और एम रेशियो एल की वैल्यू है टू बाई थ्री रेशियो थ्री बाई फोर। एम जो हमारा कॉमन मेंबर है इसको हम दरमियान में लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं एन रेशियो एम रेशियो एल। ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, एम रेशियो एन की, लेकिन हमें चाहिए किसकी, एन रेशियो एम की। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एन रेशियो एम ये आपके पास इक्वल आ जाएगा टू बाय सॉरी वन बाय फाइव रेशियो टू बाय थ्री।
तो 1/5 रेशो 2/3, एम रेशो एल की वैल्यू क्या है 2/3 रेशो 3/4। मल्टीप्लाई करें, 1/5 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2/3 के साथ। 2/3 के साथ न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1s are 2, 3 2s are 15, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/15 रेशियो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4/9, 4/9 रेशियो। 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 के साथ, 3 2s are 6 और 4 3s are 12। कैंसिलेशन कर लें, बेशक यहाँ पे 2 3s are 6, 2 6s are 12, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। एंड रेशियो एम रेशो एल की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2/15 रेशो 4/9 रेशो 1/2। अब तीनों आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म है, फ्रैक्शनल फॉर्म है तो इनके फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम तीनों का लें 15, 9 and 2 का, 2 1s are 2, 9 as it is, 15 be as it is, 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 5 1s are 5। तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा 2 multiply 3 multiply 3 multiply 5, 3 2s are 6, 6 3s are 18, 18 5s are 90। तो एलसीएम आपके पास क्या आया है 90 आ गया है। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एन रेशियो एम रेशियो एल आपके पास आएगा 2/15 मल्टीप्लाई 90 रेशियो 4/9 मल्टीप्लाई 90 रेशो 1/2 मल्टीप्लाई 90। कैंसिलेशन करें, 15 1s are 15, 15 6s are 90, 9 1s are 9, 0 as it is, यानी 9 10s are 90, 2 4s are 8, 1 carry, 2 5s are 10। तो आपके पास क्या आएगा एन रेशो एम रेशो एल की वैल्यू आएगी 6 2s are 12 रेशियो 4 10s are 40 रेशियो 5 1s are 45। तो एन रेशियो एम रेशियो एल की वैल्यू आपके पास क्या आई है 12 रेशियो 40 रेशियो 45। अरेंज करके लिख लें एल रेशियो एम रेशियो एन, एल की वैल्यू आपके पास क्या है 45, एम की वैल्यू क्या है 40 और n की वैल्यू आपके पास क्या आई है 12 आ गया। नेक्स्ट आपके पास पार्ट नंबर 4 है, m रेशो n की वैल्यू है 1 whole 2/3 ratio 5 और l रेशो m की वैल्यू है 2 whole 2/5 ratio 1/2। सबसे पहले इनका होल तोड़ लेते हैं हम, m रेशो n इक्वल है 3 1s are 3 और 2 5/3 ratio 5, एल रेशो एम इक्वल आएगा 5 2s are 10 और 2 12/5 ratio 1/10। कॉमन मेंबर यहाँ पे क्या है एम में, एम को हम कहाँ रखेंगे दरमियान में रखेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल रेशो एम रेशो एन। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू है एम रेशो एन की वैल्यू है, एम रेशो एन की वैल्यू आपके पास क्या आई है 5/3 ratio 5 और एल रेशो एम की वैल्यू आपके पास क्या आई है 12/5
रेशियो 1/10। मल्टीप्लाई करें पहले वाले को पहले वाले के साथ, 5/3 को 12/5 के साथ, 5/3 मल्टीप्लाई 12/5, 5 6 are 12 5 are 60 5 3 are 15, तो आपके पास क्या आ गया 60/15। रेशियो 5/3 को 1/10 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5/3 मल्टीप्लाई 1/10, 5 1s are 5, 10 3s are 30। इसको इसकी कैंसिलेशन साथ ही कर लें, यहाँ पे कैंसिलेशन में आपके पास 5 1s are 5, 5 6s are 30, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/6। यहाँ पे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, 15 1s are 15, 15 4s are 60, तो आपके पास क्या आएगा 4 आ जाएगा। रेशियो 1/6 रेशियो, आप थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई 1/10, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1, 5 1s are 5, 10 1s are 10, तो 5/10, 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। आपके पास L रेशियो M रेशियो N की वैल्यू क्या आई है 4:1/6:1/2। अब देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 है, तीनों का एलसीएम लें 6, 2 और 1 का एलसीएम जब हम लेंगे 2 3s are 6 2 1s are 2 3 1s are 3 3 2s are 6, एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। एलसीएम से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड पे, 4/1 × 6 रेशियो 1/6 × 6 रेशियो 1/2 × 6, 6 1s are 6, 2 3s are 6, तो आपके पास क्या आएगा 6 4s are 24 रेशियो 1 1s are 1 रेशियो 3 1s are 3, तो L रेशियो M रेशियो N की वैल्यू क्या आ गया 24:1:3। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, द रेशियो ऑफ मारिया एंड सायरा शेयर्स 5:11 एंड रेशियो ऑफ सायरा एंड फातिमा शेयर्स 9:10, फाइंड देयर कंटिन्यूड रेशियो। अब यहाँ पे देखें मारिया और सायरा, इनकी रेशियो आपके पास क्या है 5:11, और सायरा और फातिमा की रेशियो आपके पास क्या है 9:10। हमने कंटिन्यूड रेशियो फाइंड करनी है, जो कॉमन मेंबर होता है उसको हम कहाँ पे रखते हैं, दरमियान में रखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे मारिया रेशियो सायरा, कॉमन मेंबर यहाँ पे सायरा है ना, रेशियो फातिमा। अब देखें मारिया और सायरा की रेशियो क्या थी 5:11 और सायरा और फातिमा की रेशियो क्या थी 9:10। मल्टीप्लाई करें 9 5s are 45 रेशियो 11 9s are 99 रेशियो 11 10s are 110, तो इनकी रेशियो आपके पास क्या आ गई है मारिया रेशियो सायरा रेशियो फातिमा, क्या ये आपके पास 45:99:110।